नमस्कार, मैं धर्मेश पिटवा, लाइफ कोच, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे जीवन में हर एक सिचुएशन में दो प्रकार के ऑप्शन होते हैं। नो, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये वाले नहीं। ये तो गुडी गुडी बात हो गई जो बचपन से हम सुनते आए, अच्छी अच्छी बात है। दोस्तों, जैसे आप सब लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, जो बोलने में अच्छे लगे ऐसी बातें शायद मुझे करने में पसंद नहीं है, जो प्रैक्टिकल हो ऐसी बातें मुझे पसंद है। मैं आपको यहां पे कुछ सिखाना चाहता हूं। दोस्तों, आपके जीवन के हर एक समय पे दो प्रकार के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक ऑप्शन ऐसा होगा, आप ढूंढोगे तो फिर मिल ही जाएगा, थोड़ा उसके बारे में सोचोगे मिल जाएगा। एक ऑप्शन ऐसा होगा जो देखने में आपको बहुत कठिन लगे और लंबा लगे, और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो शायद शॉर्ट हो और इजी भी हो। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यहां पर एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूंगा। ईगल, जिसके बारे में आप जानते हैं, ईगल एवरेज अपनी लाइफ में 70 साल तक जीता है, और ईगल का नाम ही ईगल है तो लीडर की तरह जीता है, सबसे ऊपर तक ऊंचाइयों पे उड़ता है और अपनी पंख फैलाकर सबसे ऊंचा उड़ने वाला ये ईगल 70 साल तक उसकी जिंदगी होती है। लेकिन दोस्तों, उसकी जिंदगी में एक ऐसा पड़ाव आता है करीबन 35 से 40 साल के बीच में, कि तब तक में उसकी पंख इतनी हेवी हो चुकी है, इतनी बड़ी हो चुकी है, और उसकी चोंच इतनी बड़ी और उतनी हेवी हो चुकी है कि उसी खुद की पंख का और खुद की चोंच का वेट उसको इतना ज्यादा लगता है कि उसको उड़ने में और अपनी जिंदगी आगे जीने में, या इसी परिस्थिति का एक्सेप्ट करके, स्वीकार करके अपनी जिंदगी जिए और कुछ ही साल में मर जाए। क्योंकि दोस्तों, यहां पे उसकी चोंच बड़ी होने के कारण उसको खाने में भी दिक्कत आएगी और उड़ने में भी दिक्कत आएगी, तो शायद वो ज्यादा साल तक नहीं जिएगा, शायद वो 40, 45 या 50 साल तक में मर जाएगा। या इसके पास यहां पे दूसरा ऑप्शन है जो ईगल यहां पे चॉइस करते हैं। वो ऑप्शन ये है कि वो बहुत ही बड़ी पहाड़ी के ऊपर जाते हैं और खुद अपनी चोंच को पहाड़ी के पत्थर के ऊपर जोर जोर से पटक पटक के उसको तोड़ देते हैं, और खुद की पंखे जो बहुत बड़ी हो चुकी है उसको भी थोड़ा तोड़ देते हैं। दोस्तों, ये पंखे तोड़ने में और खुद की चोंच को तोड़ने में उसको क्या इजी लगता होगा, मजा आती होगी क्या? नहीं, उसको तो बहुत कठिनाइयां लगती है, बहुत उसको दर्द होता है जबरदस्त, और वही दर्द सहन करके वो 4-5-6 महीने के अंदर उसकी चोंच फिर से निकल आती है, वही शार्प वाली, और फिर से उसके पंख अच्छे फ्रेश और नए बन जाते हैं, और उसी के साथ में वही ईगल फिर से वही ऊंचाइयों को उड़ने की शुरू करता है, और वही अपने शिकार को शिकार करके उसका खाना खाता है, और शायद वो अच्छे से लीडर की तरह अपनी जिंदगी 70 साल तक जीता है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी रोज बरोज में बहुत बार कठिनाइयां आती है, ऐसी मुश्किलियां आती है जहां पे हम अपना काम रोक देते हैं, छोड़ देते हैं। दोस्तों, इस वक्त पे हमें दो चीजों के बारे में सोचना चाहिए। एक, कि हमें इसी परिस्थिति को एक्सेप्ट करके बैठकर यही सोचना है कि बस मैं यही हूं और मैं यहां तक ही जा पाऊंगा, अब मैं आगे नहीं कर पाऊंगा, मेरे से तो होगा ही नहीं। या आपके पास एक ऐसा भी ऑप्शन है कि यही सारी परिस्थितियों से बाहर कैसे निकले और कैसे उसके सामना किया जाए, कुछ नई बातें सीखकर, कुछ बातों को अपडेट करके अपने जिंदगी में फिर से वही जोश से काम करना शुरू कर सकते हैं, और वही चीजें आपको सफलता तक पहुंचाएगी। दोस्तों, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। सचिन भी अपनी लाइफ में एक बार खुद से हार कर बैठ चुके थे, फिर वहां पर वो बैठे नहीं रहे, फिर से उसने काम करना शुरू किया, मेहनत करना शुरू किया, वही प्रैक्टिस करना शुरू किया, फिर जाके वो सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर बने। अमिताभ बच्चन, वो भी अपने फील्ड में से एक बार उसको बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन तब वो वहां पे बैठे नहीं, वहां पे फिर से उन्होंने खुद अपने आप को अपडेट किया, मेहनत किया, अपडेट किया, और फिर वो अपनी सफलता तक पहुंच गए। ऐसे ही दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे लोग आपके आसपास में होंगे जो अपने जीवन में कुछ कठिनाइयों में शायद बैठ गए होंगे। लेकिन दोस्तों, शेर जब लंबा शिकार करने के लिए निकलता है ना, तो दो कदम पहले पीछे जाता है, फिर आगे आके लंबा शिकार करता है। दोस्तों, आप भी अगर बैठे हुए हैं तो घबराइए मत,
चिंता मत कीजिए, मेरा ये वीडियो देखिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए, और शेर की तरह शायद दो कदम पीछे हैं, डोंट वरी, फिर आगे आइए और लंबा शिकार पे जाइए, सफलता जरूर आपके साथ में चलेगी।